हे यू ऑसम पीपल, वेलकम अबाउट। माय नेम इज़ दीप्ता और आज थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ना, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को हफ्ते में दो बार अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरी तरह ही हो, कभी ना कभी इंग्लिश या कोरियन मूवी हिंदी में डब की हुई आपने ज़रूर सुना होगा। उसका तो एक अलग ही मज़ा है, नहीं? मुझे तो वो दिन याद आ गए जब मैं GTA की वाइस सिटी बंगाली में खेल रही थी। सीरियसली, उस गेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं। खैर छोड़ो, हम तो ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, पर आज हम बात कर रहे हैं वॉइस 123 वेबसाइट के बारे में, जहाँ पे आप अपनी वॉइस सेल कर सकते हो। यही डबिंग का काम है। घर में अगर बच्चे हैं या फिर आपको भी डोरेमोन देखना पसंद है, तब तो पता ही होगा कौन से इंडियन लैंग्वेज में वो अवेलेबल नहीं है। मराठी, हिंदी, बंगाली, व्हाट नॉट है। हाँ, वही काम है, डबिंग के काम है, डबिंग का काम है। नहीं, डोरेमोन में आपको डबिंग नहीं करने बोल रही मैं, पर हाँ, आप भी डबिंग का काम कर सकते हो और वॉइस 123 आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रही है। बस आपको करना इतना है कि अपनी प्रोफाइल डालनी है वॉइस 123 वेबसाइट में और आपके वॉइस का कुछ सैम्पल वहाँ पे डाल देना है, जिसका प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाने वाली हूँ। गाइज, ये काम आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। हाँ, अगर ये काम आपको फ्रॉडुलेंट लग रहा है, प्लीज़ वो सब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये वेबसाइट 100% जेन्युइन है। और हाँ, यहाँ से इनकम होती है। बहुत सारे इंडियंस भी आपको इस वेबसाइट में दिखने मिल जाएंगे जो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं इस वेबसाइट के थ्रू। नहीं, कोई हाईफाई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोबाइल चाहिए, आपका वॉइस चाहिए, दैट्स ऑल। अगर आपको खुद की वॉइस अच्छी नहीं भी लगती, विच आई एम श्योर आपको अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अपनी वॉइस कभी कभार अच्छी नहीं लगती, बट यू डोंट नो कब किसको आपकी वॉइस से प्यार हो जाए। जोक्स अपार्ट, सीरियसली डोंट थिंक मच ऑफ इट। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ एड्रेस बार में लिखते हैं voice123.com। मैं ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ताकि एक क्लिक करने से ही आप इस वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ आप ऊपर साइन अप देख रहे हो, यहाँ पे हमें पहले साइन अप करनी है। हमें यहाँ काम करनी है, अपना वॉइस यहाँ पे बेचना है voice123 पे, तो हम एज अ वॉइस एक्टर यहाँ पे साइन अप करेंगे। क्लिक ऑन दैट। एज अ वॉइस एक्टर, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक फ्लुएंटली? गाइज, मेरे हिसाब से जिन लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो, अगर सिर्फ एक ही लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से बोलनी आती है, तब सिर्फ एक ही लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, या फिर जितने भी लैंग्वेज में आपको लगता है आप फ्लुएंटली बोलते हो, वो सारे आप डाल देना यहाँ पे। लैंग्वेज आप बहुत सारे आपको नीचे देखने मिलेंगे। मैं, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, फर्स्ट बंगाली मेरी नेटिव लैंग्वेज है, मैं बंगाली डाल देती हूँ, हिंदी लिख देती हूँ और इंग्लिश मेंशन कर देती हूँ मैं। आई नो गाइस, मैं हिंदी उतने अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, बट ये बस आपको दिखाने के लिए है। हम नेक्स्ट करेंगे। अब क्या है, व्हाट जेंडर एंड एज डिस्क्रिप्शंस मैच योर वॉइस एक्टिंग एबिलिटीज़। मतलब कि अगर सपोज़ आपके घर में अगर बच्चा भी है, तो वो भी अगर वॉइस रिकॉर्ड करेगा, तो आप ये भी यहाँ पे बेबी या चाइल्ड ये भी ऑप्शन डाल सकते हो। या फिर एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका जो वॉइस का जो साउंड है वो किस तरह साउंड करता है। तो अगर आपकी वॉइस एक मेल टीनेजर की तरह साउंड करता है, तो आप ये क्लिक करिएगा। मेरे इस प्रोफाइल के लिए ये तीन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ क्या है, रिकॉर्डिंग एंड डिलीवरी ऑप्शन, मतलब किस तरह से रिकॉर्ड करने के बाद अपने क्लाइंट को वो डिलीवर करोगे अपना काम। तो डिजिटल डिलीवरी हो गई, जैसे कि अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करके क्लाइंट को ईमेल के थ्रू या फिर ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, ऐसे वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप अपना काम सबमिट करोगे, तो ये क्लिक कर सकते हो। एक से ज़्यादा आप चाहो तो जितने भी ऑप्शन हैं सारे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।
इसका मतलब आप नीचे लिखा हुआ है देख सकते हो, स्काइप, हैंगआउट, जूम, व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल, इस तरह से भी आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके दे सकते हो। पर मेरे हिसाब से आपको जितना भी हो सके सब इनेबल करके रखना चाहिए, और फिर अगर आप चाहो कि नहीं ये प्रोसेस मुझे नहीं करनी है, फिर आप डिनाई भी कर सकते हो। पर अब जितना ज़्यादा ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रखोगे उतना ही आपकी चांस बनती है काम मिलने की। तो लोकेशन पे कोलकाता लिख देती हूँ, आप अगर चाहो तो यहाँ इंडिया लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने ही स्टेट में कहीं भी जहाँ आपको कंफर्टेबल महसूस हो आप स्पेसिफिक उस एरिया का नाम भी दे सकते हो। यहाँ पे नीचे और देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है मैचिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 4000+, मतलब कि हमने इतने जो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बनती है। तो नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है, डिलीवर एडिटेड एंड फिनिश्ड वॉइस ओवर एड। ओके, तो यहाँ पे हमको ये मेंशन करनी है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद हम जो रॉ मटेरियल है उसी को हम क्लाइंट को सबमिट करेंगे, या फिर उस चीज़ को एडिट करके उस पर म्यूज़िक डाल के स्पेशल इफ़ेक्ट डाल के सब करके कंप्लीट पैकेज देना है। तो जो आपको आसान लगे, ये जो पहला ऑप्शन है डिलीवर एडिटेड एंड फिनिश्ड वॉइस ओवर, मतलब रॉ जो है वॉइस उसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे के आप क्लाइंट को सबमिट कर देंगे। अब चाहो तो अगर आपको आसान लगे तो आप सारे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं ये दो ही ऑप्शन इनेबल करके रखती हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एक तो ये है, इस वेबसाइट पे साइन इन करने के लिए एक वैलिड ईमेल एड्रेस अभी यहाँ पे आपको डालनी है, और जितने भी क्लाइंट आपको अप्रोच करेंगे आपके इसी ईमेल एड्रेस में वो काम, वो टास्क आपको वॉइस 1, 2, 3 आपको ईमेल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा आपको ईमेल आईडी लिखना है जो आप एक्सेस करते रहते हो। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख देती हूँ और कंटिन्यू करते हैं। आप नीचे देख सकते हो 3 अलग ऑप्शन भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आप गूगल से साइन इन कर सकते हो फेसबुक के साथ, या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है आपके पास उससे भी आप साइन अप कर सकते हो। तो मैंने अलग से ईमेल एड्रेस दे के साइन अप किया है। तो अभी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से अगर अभी आप सेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड सेट कर लोगे तो थोड़ा काम आपका आगे बढ़ जाएगा, बाद में आपको पासवर्ड सेट नहीं करनी होगी। तो हम अभी सेट योर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। अभी हमने जो ईमेल आईडी देके हमने साइन अप किया है उस ईमेल आईडी पे वॉइस 123 ने हमें एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, उस लिंक के थ्रू हम अपना पासवर्ड सेट कर पाएंगे। तो मैं एक नया टैब ओपन कर लेती हूँ और जीमेल ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जीमेल का ईमेल डाला था, और यहाँ साइन इन कर लेती हूँ मैं उस अकाउंट को। तो गाइज आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे कोई भी ईमेल उनके तरफ से अभी तक नहीं आया है। तो हम चलते हैं वापस उस वेबसाइट में, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अगेन, हम इसको क्लिक करेंगे और इस जो फर्स्ट जो लिंक है इसको हम ट्राई करते हैं, रिक्वेस्ट मैजिक लिंक वाया ईमेल। तो अभी क्या लिखा है, वी सेंट यू एन ईमेल विद अ लिंक टू फिनिश द साइन इन प्रोसेस। तो हमारा यहाँ ईमेल ओपन किया हुआ है, एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं। सो गाइज आई डोंट नो, हमने दोनों ही तरीका आजमाया पर उनके तरफ से कोई ईमेल हमारे पास नहीं आया है, स्पैम फोल्डर में भी कोई भी ईमेल नहीं आया है। तो गाइज हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कभी कभी होता है सर्वर अगर प्रॉब्लम करती है तो ऐसा हो सकता है। तो हम बैक करते हैं, अभी हम ये जो नीचे 3 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से एक हम चूज़ कर लेते हैं। जीमेल में मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया था, तो अभी ये हमारा प्रोफाइल ओपन हो गया है।
गाइज आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस है सर्च, मैसेजेस, प्रोजेक्ट्स, प्रोफाइल और मेंबरशिप कह के। फिलहाल हम प्रोजेक्ट्स टैब में है, ये जो पेज है प्रोजेक्ट्स टैब ओपन हो रखा है अभी। तो हम पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम प्रोफाइल में क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरा नाम आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने जीमेल से साइन इन किया था तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम यहाँ पे आ गया है। तो गाइज़ सबसे पहले तो हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का एक पेंसिल बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये एडिट का साइन है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ मिडल में हमको क्लिक करनी है और सिलेक्ट करना है कि फ़ोटो हम डालना चाहते हैं। मैं ये फ़ोटो डाल देती हूँ अपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए। और नीचे देखते हैं, नीचे है योर प्रोफेशनल हेडलाइन। बिफोर फिलिंग दिस अप गाइस, मैं बता दूँ ये जो प्रोफाइल है ये बेसिकली एक ओवरव्यू है। जो क्लाइंट्स आपके प्रोफाइल में आएंगे वो ये एक ओवरव्यू उनको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हो, आपने कितना अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटो डाला हुआ है, ये सब यहाँ पे मैटर नहीं करता। voice123.com पे सिर्फ मैटर करता है आपकी आवाज़। पर फिर भी अपने प्रोफाइल को जितना हो सके प्रोफेशनल रखने की कोशिश करिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक हेडलाइन, आई हैव यूनिक वॉइस एंड कैन यूटिलाइज इट प्रोफेशनली। सो द नेक्स्ट वन इज टेल अदर्स मोर अबाउट यू। तो मैं यहाँ कुछ लिख देती हूँ, आई यूज माई पोटेंशियल टू इट्स फुलेस्ट एंड टेक माई प्रोफेशन सीरियसली। सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो गया। लोकेशन तो आपको शायद याद होगा, हमने पहले ही दिया हुआ था। ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ तीन फील्ड्स हैं, वेबसाइट एड्रेस, फेसबुक एड्रेस और ट्विटर एड्रेस। आप चाहो तो ये तीनों आप फिल कर सकते हो, और अगर आप ये इन तीनों में से कुछ भी आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं देना चाहते, देन यू कैन स्किप इट। तो हम इसको सेव कर लेते हैं पहले। ओके, ऑडियो सैम्पल। तो गाइज ये जो सेक्शन है ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि voice123 वेबसाइट में आपका वॉइस ही मेन फैक्टर है। तो आपके वॉइस का सैम्पल यहाँ पे देना है ताकि जो भी क्लाइंट आपके प्रोफाइल में आए वो टेस्ट कर सके, वो सुन सके कि आप किस तरह साउंड करते हो, और अगर आपकी वॉइस वो सुइटेबल लगे उनको तो वो आपको अप्रोच करेंगे काम के लिए। तो गाइज मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा था, ये काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसीलिए आपको मोबाइल की एप्लीकेशन का नाम मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपना वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो। ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत सारा टेक्निकल काम लगेगा, मैं आपको जितना इजी प्रोसेस से हो सकता है समझाऊंगी। तो अगर आप मेरी तरह लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि इस काम के लिए, मतलब अपना वॉइस रिकॉर्ड करके उसको एडिट करने के लिए, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं है जैसे माइक और एडिटिंग टूल्स, तो आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके देखें। तो गाइज मैंने वो फाइल अपने लैपटॉप में ले लिया है, और अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल से ही आप उस सैम्पल को यहाँ ऐड कर सकते हो। इसके लिए नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड सैम्पल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं हम। और वंस अगेन ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है और जिसके मिडल में आपको क्लिक करनी है, और मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इस फाइल को और ओपन कर देती हूँ। ये अपलोड हो चुकी है। आप चाहो तो एक से ज़्यादा सैम्पल अपलोड कर सकते हो। सैम्पल का नाम यहाँ पे देने बोल रहे हैं,
वंस अगेन यहाँ पे स्टार मार्क आप देख सकते हो, इसका मतलब है ये फील्ड मैंडेटरी है, स्किप नहीं कर सकते। सो सैंपल का नाम देते हैं सैंपल वन, लैंग्वेज हम हिंदी दे देते हैं क्योंकि हमने हिंदी में सैंपल हिंदी में हमने बात किया था। नेक्स्ट जेंडर एंड एजेस, फीमेल यंग अडल्ट फीमेल टीनेज कर देते हैं। पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, एनिमेशन दे देते हैं, ऑडियो बुक दे देते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी नीचे क्या है, सैम्पल्स विद मल्टीपल रिकॉर्डिंग पर्पसेस गेट लोअर रिलेवेंस ऑन कॉमन सर्चेस। ओके, सो इसका मतलब है कि एक सैम्पल के लिए अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करते हो तो सर्च रिज़ल्ट में आने की उसकी चांसेस है वो रिड्यूस होते हैं, वो कम होते हैं। तो आप स्पेसिफिक एक कोई इंटेंशन माइंड में लेके रिकॉर्ड करना और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना कि कौन सा वो टॉपिक है जिससे रिलेवेंट है आपका वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसे ऑन ही रखती हूँ जो जो भी मैंने सिलेक्ट किया है। नीचे है एडिशनल सैम्पल डिटेल, ये ऑप्शनल है, ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम इसे, ज़रूरत नहीं है तो कुछ नहीं लिखते हैं और सेव कर देते हैं यहीं पे। वंस अगेन गाइस, आप एक से ज़्यादा सैम्पल अटैच करने की कोशिश करना। नीचे और क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल कंप्लीशन 73%, क्योंकि हमने अभी तक ईमेल वेरीफाई नहीं किया, पासवर्ड नहीं डाला। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो, एड योर वोकल एबिलिटी, एड योर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग इक्विपमेंट, एड योर एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड, ये तीन चीज़ें हमने अभी तक फिलअप नहीं किए। तो एड योर एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड, गो पे क्लिक करते हैं। गाइस यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन डालना है कि काम के बाद क्लाइंट आपको किस तरह से पेमेंट करे। मेरे हिसाब से ये जो पेपल सबसे पहला जो ऑप्शन है यही सेफ़ एंड सिक्योर है। वैसे तो voice123.com बहुत ही सेफ़ वेबसाइट है और जेन्युइन और लेजिट है, पर जब पेमेंट की बात आती है तो सेफ्टी मेंटेन करना वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से आप पेपाल रखेंगे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट US डॉलर्स में होंगे होते हैं। इंडिया से भी ऑर्डर्स आते हैं पर ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं, तो पेपाल के थ्रू आप करोगे तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्शन वगैरह वो काम हो जाती है और सेफ भी है। तो पेपाल मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और सेव कर देती हूँ यहाँ। और क्या है, व्यू चेकलिस्ट पे यहाँ क्लिक करते हैं तो देख सकेंगे। और क्या है, एड योर वोकल एबिलिटीज़ पे गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या है, एडिशनल वोकल एबिलिटी। तो गाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनिमेटर, कॉमा देख के लिख देती हूँ इंडियन, इंडियन एक्सेंट में हम बात करते हैं तो इंडियन लिख देते हैं। नीचे है एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, एक्सपीरियंस के लिए हम लिख देते हैं फ्रेशर, क्योंकि हमें इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ट्रेनिंग के लिए लिखते हैं बेसिक एंड इक्विपमेंट के लिए लिखते हैं जनरल इक्विपमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई हाई लेवल की कोई इक्विपमेंट तो है नहीं, हम बस अपना मोबाइल ही यूज़ करेंगे वॉइस 123 के लिए। तो गाइस इसको सेव कर देते हैं और यहाँ देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेटेड, पूरी प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस नीचे क्योंकि पेमेंट मेथड में हमने पेपाल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो मैं रिमाइंड करा दूँ आपको, मेरे ख्याल से अगर आपके पास ऑलरेडी एक पेपाल की अकाउंट है फिर तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो पेपाल में जाके आप साइन अप कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। सो गाइज इफ़ यू कैन रिमेम्बर, हमने अभी तक हमारे प्रोफाइल के लिए कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो चलिए अभी पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है
और नीचे आप देख सकते हो यहाँ योर अकाउंट कह के ईमेल और पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो नीचे ये हमारा अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है और नीचे चेंज योर पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे हमारा पासवर्ड डालना है, आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो, टाइप अगेन और सेट पासवर्ड पे क्लिक करने हैं। तो ये हमारे अकाउंट के लिए हमारा पासवर्ड सेट हो गया। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, ये जो हमने प्रोफाइल क्रिएट किया, ये क्लाइंट क्लाइंट को ये प्रोफाइल किस तरह से दिखेगी। तो सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इंडिया लिख के सर्च करते हैं, सो इतने सारे इंडियंस ने साइन अप ऑलरेडी कर रखे हैं, ये आप देख सकते हो। ये हमारी भी प्रोफाइल ऐसी ही दिखेगी गाइस। ये जो सैम्पल अगर आपको याद है हमने अपलोड किया था, सेट किया था, इसी तरह का एक सैम्पल उनको भी क्लाइंट्स को भी देखने मिलेंगे। और इसको सुनने के बाद अगर वो कांटेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे ईमेल पे वो कांटेक्ट आ जाएगा। गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने मिला है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी थोड़ी। और गाइज इस हफ्ते इस वीडियो के बाद आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई नीश विच इज़ एविएशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। उस टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस बनाने के बाद मैं फाइवर के ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।